हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी फ्रेंड्स, आपका इजिट एग्जाम डी फार्मा नेक्स्ट मंथ में है, ठीक है। अभी तो सितंबर चल रहा है, बट अभी अक्टूबर में ही कुछ दिन और बचे हैं, 20-25 दिन। तो अभी काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, सर थोड़े MCQs करवा दीजिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। अभी आज मैंने सेलेक्ट किए हैं 25 MCQs, जो कि फार्मास्यूटिक्स से हैं, ठीक है। और उसके बाद अदर सब्जेक्ट के भी आएंगे, और ये पार्ट वन है, ठीक है। इसके बाद और भी पार्टेज आएंगे, तो आप लोग कंटिन्यूस चैनल पे बने रहिएगा, इजीली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सभी MCQs आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके सभी को देखिएगा, बहुत ही सिंपली हम लोग समझेंगे। तो आज 25 है, ठीक है, हो सकता है मे बी आगे और भी बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर वन है, पहला है, डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन विल यूजिंग आई ड्रॉप्स। तो हमें जो सेफ्टी कौन कौन सी हमें बरतनी चाहिए, हमें जब यूजिंग ऑफ द आई ड्रॉप के लिए, ठीक है, आई ड्रॉप यूज करते समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द एबव। इसमें सभी जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सभी आपको बरसने हैं, ठीक है। मतलब सभी सभी आपके जो भी रूल उसके दिए गए हैं, सभी आपके सही हैं। पहला आपका था नेवर राइज द ड्रॉपर, ठीक है। फिर दूसरा है आपका नेवर यूज आई ड्रॉप्स दैट हैव चेंज्ड कलर, और सी है डिस्कार्ड द कॉन्स्टेंट आफ्टर 1 month ऑफ द यूज, ठीक है। मतलब कि इसका ओपन करने के बाद आपको 1 month तक यूज करना पड़ेगा, इसका इसका यह है। और डी है आपका डू नॉट टच द टिप एंड द ड्रॉपर, तो आपको टच भी नहीं करना हाथ उंगलियों से, ठीक है। यही आपका मतलब कि आपको सावधानी बरतनी है आई ड्रॉप यूज करते समय। बाकी नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, अनदर नेम ऑफ मोल्टेन ग्लास इज। तो मोल्टेन ग्लास का अदर नेम क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोप, GOV, जो यहाँ पे है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थ्री है, यूजिंग द बबल टेस्ट एज ए क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट फॉर। तो यहाँ पे कौन से टेस्ट है क्वालिटी इंश्योरेंस फॉर के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लिस्टर पैक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल्स सीडल्स द मेडिकेशन इनसाइड फ्रॉम लाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स, ठीक है, जो कि फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल सील्ड के लिए है, मेडिकेशन इनसाइड फ्रॉम द लाइट के लिए है। और क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ जा रहे होंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से। बाकी क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द कंटेनर दैट इमिडिएटली इंटरेक्ट्स विद द फार्मुलेशन इज नॉन एज। तो जो इंटरेक्ट आप फार्मुलेशन उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी पैकेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर सेवन है, अल्कलिनिटी इन विच टाइप ऑफ ग्लास इज डिटरमाइंड यूजिंग द वाटर अटैक टेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइप सेकंड ग्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ है, व्हाट साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी टॉपिकल पाउडर हैव। व्हाट साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी टॉपिकल पाउडर हैव, तो कितना होता है वह सोडी टाइप का टॉपिकल पाउडर का रेंज, या आप बता सकते हैं साइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 to 100 microns, ठीक है, जो कि आपका टॉपिकल पाउडर के लिए होता है। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा फ्रेंड, डस्टिंग पाउडर के लिए कितना होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, बेनिफिट ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म ओवर पाउडर डोजेस फॉर्म। तो बेनिफिट आपको बताना है लिक्विड डोजेस फॉर्म में ओवर द पाउडर्ड डोजेस फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजी टू स्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डोजेस फॉर्म इज यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो
तो इसमें फॉलोइंग जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है यूज आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप मुंह के द्वारा कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलिक्जर, ठीक है, जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट काइंड ऑफ पाउडर पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द नंबर ऑफ सिस्टीन, ठीक है, 60 नंबर सीव से 0.25 mm, 8, नॉट मोर देन 40 कैन पास थ्रू द नंबर ऑफ 100 सीव्स। तो कौन सा पाउडर जो आपको 60 नंबर सीव से पास है बट जो 40% थ्रो ऑफ द सीव यहाँ पे यूज करनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइन पाउडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मच डेक्सट्रोज इज नीडेड टू मेक 3000 ml ऑफ 5% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन। हाउ मच डेक्सट्रोज जो होता है वो नीड, जरूरत पड़ती है मेक ऑफ द 3000 ml 5% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 ग्राम, ठीक है, क्या हो जाएगा 150। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुगर कंटेंट इन सिरप आईपी इन परसेंट वेट बाई वैल्यूम। आप बताना है कि मतलब जो शुगर कंटेंट होता है सिरप बनाने के लिए कितना परसेंट यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 66.7%, ठीक है, 66.7%। बाकी आप लोग कमेंट बताइए फ्रेंड, ब्रिटिश फार्माकोपिया में कितना परसेंट यूज किया जाता है, आपने पढ़ा होगा क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि शुगर कंटेंट इन सिरप ऑफ बीपी इज वेट बाई वैल्यूम यूजिंग, ठीक है, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूएसटी हो सकता है। यहाँ पे आईपी पूछा है इंडियन फार्माकोपिया से। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्वीट टेस्टिंग सॉल्वेंट आर एम्प्लॉयड इन द क्रिएशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लिसरीन, ठीक है, जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिटरमाइन हाउ मच डेस्ट्रोज इज नीडेड टू मेक 200 ml ऑफ 5% वेट बाई वैल्यूम सोल्यूशन। डिटरमाइन करना है यहाँ पे डेस्ट्रोज इज नीडेड, कितनी ज़रूरत है 200 ml में 5% वेट बाई वैल्यूम करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 grams, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्वीटनिंग एजेंट इज यूटिलाइज्ड एज एडिक्टिव इन लिक्विड डोज फॉर्म एज लो कैलोरीन हाफ कैलोरीज और नैनूट्रिटिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्पार्टम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लिक्विड सोल्यूशन यूज इन थ्रोट पेंट आर। तो लिक्विड सोल्यूशन कौन सा यूज किया जाता है थ्रोट पेंट में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिस्कस, ठीक है, बिस्कस करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18, विच पाउडर इज सुटेबल फॉर इंजेक्शन ऑफ ओरल यूज। तो फ्रेंड्स कौन सा पाउडर है जिसको हम लोग ओरल यूज भी करते हैं और इंजेक्शन के सुटेबल, इंजेक्शन के लिए भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रो लाइट पाउडर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, द पाउडर विच आर स्टरलाइज यूज इन बॉडी कैविटीज एंड आल्सो मेजर वाउंड्स इन हेलिंग आर नॉन एज। तो कौन सा पाउडर जो स्टरलाइज भी होता है कैविटीज आल्सो मेजर वाउंड्स में और हेलिंग इज नॉन एज, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होगा जो कि मेजर वाउंड्स है हेलिंग के लिए, ठीक है, और स्टरलाइज भी होता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। और 20 है क्वेश्चन नंबर, द कैप्सूल दैट इनक्लोज्ड पाउडर आर फॉर्म ऑफ।
तो फ्रेंड्स इसमें बताना है आपका कैप्सूल में जो इनक्लोज्ड पाउडर होता है और कौन कौन से इसमें और एजेंट होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा या किस में वो फिल होता है। तो जेलेटिन भी राइस फ्लोर है, फ्रक्टोस है, डेक्सट्रोज है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेलेटिन। इस ज़्यादा मतलब और भी होते हैं बट ज़्यादातर जेलेटिन का यूज होता है जिसमें इनक्लोज किए जाते हैं पाउडर को, ठीक है। कभी कभी राइस फ्लोर में भी हो जाता है बट डिपेंड करता है पाउडर की क्वालिटी पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंस्पायरेशन विच इज ए सिलेक्शन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट्स। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे द इंप्रेशन इंक्रिप्शन विच आर द सिलेक्शन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ए। और क्वेश्चन नंबर 22 है, द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, तो इंडियन फार्माकोपिया के जो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, पहला पहले चेयरमैन, तो उनका नाम था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी एन घोष, जो कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया के थे चेयरमैन थे, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा फर्स्ट फार्माकोपिया कब लागू हुआ था, कितने सन में हमारे भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वन मिनिम इज इक्विवेलेंट टू, तो वन मिनिम टू इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.06 ml, ठीक है, इक्विवेलेंट है जो कि मिनिमम। और क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉचर्स आर डिजाइंड टू बी यूज इन, तो कहाँ के लिए डिजाइंड किया गया है मेनली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो डाउचर होते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेजिनल कैविटी, कहाँ के लिए, वेजिनल कैविटी के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, विच आर द फॉलोइंग यूज एन कैमल हेयर ब्रश टू अप्लाई, तो विच आर जो फॉलोइंग यूज किए जाते हैं कैमल हेयर ब्रश अप्लाई कहाँ कहाँ पे या किसके लिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रोट पेंट, ठीक है, इसके लिए यूज किए जाते हैं कैमल हेयर ब्रश अप्लाई। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन जो कि आपकी इजिट एग्जाम डी फार्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन आपके लिए गए थे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से, ठीक है। आने वाले और सब्जेक्ट के भी हम इसी कुछ कराएंगे, ये पार्ट वन है, इसके बाद भी और पार्ट आएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और जो समझ में ना आया पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF इसका मिल जाएगा। टाइम कम है तो आप लोगों को थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग MCQs प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाए। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।